हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी, यूनिक सी, बहुत अच्छी है। मैं तो बोलती हूँ मशरूम आप लोग ज़रूर खाइए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं बालों के लिए, आँखों के लिए। ये मशरूम के सामने आप लोग पनीर छोले भूल जाओगे अगर बहुत अच्छी तरीके से बनाओगे। इसीलिए मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी है। कुछ मेरे मशरूम है, आप लोग देखिए। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए इसके थोड़े थोड़े से देखिए छेद ऐसे हैं, है ना फ्रेंड्स। अब अच्छे से इसकी धुलाई करेंगे दो तीन पानी में। आप लोग चार पांच पानी में धुल लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब इसको कट करेंगे, इसके ऊपर का पार्ट निकाल देंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत निकालना आप लोग, क्योंकि भाई बहुत अच्छी रेसिपी है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मेरे घर पे सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि गुड़ों से भरपूर है इसलिए। अब इसको बहुत अच्छे से काट लेंगे। एक और ज़रूरी बात, आप इसको गर्म पानी में ज़रूर धुलिएगा, इसके जितने कीटाणु हैं या कुछ हैं तो गर्म पानी में निकल जाते हैं और मर जाते हैं, साफ़ हो जाता है एकदम क्लीन। उसके बाद आप इसकी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एक लेंगे, देखिए आप लोग टमाटर को बहुत अच्छे से धुल लेंगे। देखिए जब तक मैं इसे धुल रही हूँ तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपनी प्यारी सी फैमिली और दोस्तों में, जिससे वो भी लोग सीख पाए मेरी रेसिपी मशरूम बनाना। यूनिक तरीके से बहुत डिफरेंट है रेसिपी। अब इसको अच्छे से कट कर लेंगे। दो टमाटर हम लिए हैं, आप लोग कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे बढ़िया टुकड़े कर लेंगे ऐसे, एक कट के रेडी है, आप लोग देखिए। और मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मशरूम तो आप लोग ज़रूर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अब थोड़ा सा लेंगे लहसुन, लहसुन को कट कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, मत खाइए। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है, बस आप लोग इसमें जीरे और काली मिर्च ऐड कीजिएगा, वो भी भुना हुआ, बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए, तब तक आप लोग देखिए अगली क्या तैयारी कर रही हूँ। एक भगोना रखे हैं, आप लोग फ्राई दान भी रख सकते हैं, इसी में बढ़िया बॉयल कर लेंगे अपने मशरूम ऐसे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, थोड़ा ही बॉयल करेंगे, जिससे इसके जितने कीटाणु हैं वो मर जाएं और बढ़िया प्यारी सी क्लीन हो जाए मेरी रेसिपी या मेरी मशरूम। ऐसे उलट पलट के बढ़िया अच्छे से धुल लेंगे। अब मेरी धुल गई है बहुत अच्छे से। अब इसे एक प्लेट में या बाउल्स में बढ़िया निकाल लेंगे ऐसे, है ना दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरी मशरूम की रेसिपी पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे जाके देख लेना, बहुत मस्त मस्त सच में यार रेसिपी पड़ी हुई हैं, आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ जाएगा, ऐसी रेसिपी हैं। अब निकाल लिए हैं अच्छे से, देखिए ऐसी मेरी है। अब इसको दूसरे भगोने में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और फिर अपने प्यारे से मशरूम, घी या बटर आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने घी लिया है, थोड़ा सा लेंगे बटर, दोनों चीज़ मिक्स करके दोनों का बढ़िया अच्छा सा टेस्ट आए इसलिए। अब एक कढ़ाई पहले से रखे थे, अब तेल डाले हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हीट हो गया है, इसी में ऐड कर देंगे खड़े जीरे बढ़िया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरे से। अब इसी में ऐड करेंगे प्याज लहसुन, कट करके पहले रखी थी ना, इसी में ऐड करेंगे बढ़िया क्या काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ते। अगर तेज पत्ते पसंद है तो ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे,
थोड़ा टाइम देंगे इसे पकाने में, बहुत अच्छे से पक जाए। देखिए हल्का कलर चेंज हो गया इसका, है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे बहुत। अब देखिए ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक में। जब तक ये मिक्स कर रही हूँ तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लाती रहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अगर वीडियो नहीं पसंद है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो मेरी कमी होती है मैं पूरी करने की फुल कोशिश करूँगी, बट आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे पूरी करूँगी। एक छोटी सी बाउल्स लेंगे, कटोरी, इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, इसी में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, 1 टेस्पून, 1 टेस्पून से भी थोड़ा कम। मसाले कम ज़्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 स्पून मदद से चलाएंगे। आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, थोड़ा सा ऐड किए थे भुना हुआ जीरा और भुनी हुई धनिया इसी में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे, बढ़िया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, मीट मसाला। आप लोगों को पसंद हो तभी ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अब इसी में ऐड करेंगे, देखिए मेरी अच्छे से देखिए पक गए हैं सारे मसाले, है ना दोस्तों। थोड़ा सा ऑयल ऊपर निकल आया है, तेल, इससे पता चलता है ये पक गया। अब इसी में ऐड कर देंगे मशरूम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे 2 मिनट तक। इसी में ऐड कर देंगे पानी, आप लोग कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं, बट मैं 1 गिलास ऐड करूँगी। फिर अच्छे से चलाएंगे। देखिए मेरी प्यारी सी रेसिपी बन के रेडी है, आप लोग आइए। अब थोड़ी थोड़ी करके इसी में ऐड कर देंगे, देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत टेस्टी बनी है, सुपर डुपर है, यमी है। अब इसकी बढ़िया प्यारी सी धनिया से गार्निश करेंगे, आप लोग आइए इंजॉय कीजिए। मेरी प्यारी सी रेसिपी बन के रेडी है। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।